दुनिया का मूल मंत्र बन चुका है हेल्दी लिविंग, हेल्दी ईटिंग। वेलकम टू माय चैनल एक नए व्लॉग के साथ। तो मैं जो आज बात कर रहा हूँ हेल्दी लिविंग और हेल्दी ईटिंग, लोग सुबह सुबह उठ के म्यूसली खाते हैं, ओट्स खाते हैं, दलिया खाते हैं, कुछ हेल्दी खाते हैं कि उनको शरीर को फिट रखना है। हमारे घर में हम दो, मैं और पीढ़ी, हमारा नाश्ता देखो इतना अनहेल्दी है ना, मतलब देखो ये जानबूझ के आगे हाथ करे ताकि दिखाई नहीं दे, ये बन रहे ब्रेड पकौड़े, ये देखो ये नाश्ता बन रहा है हमारे घर में। दूसरी तरफ आलू प्याज और धनिया मिला के रखा गया है, इसके भी पकौड़े बनेंगे। आप सोच सकते हो कि हमारे घर में किस तरह का हेल्दी नाश्ता किया जा रहा है। अगर किसी को बोलें, लोग जाते हैं डाइटिशियंस के पास, महंगे महंगे डाइट चार्ट बनवाते हैं कि हमें पतला होना है, हम कह रहे हैं मोटा होना है, हम लोग कमज़ोर हो गए हैं। तो पीढ़ी के विचार इसमें है कि हमने कल घिया बनाया था जिसे हमने एक बार ही खाया, रात को खाने में आया मटन और दाल मखनी, तो घिया खाया नहीं किया। अब वो कल का घिया पड़ा हुआ है तो हम उसे अभी दोपहर में खाएंगे, क्योंकि तो हमें हेल्दी ईटिंग भी करनी है। ये पकौड़े हजम करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो चैनल पे करप्शन वाली हंसी देखो, कल तो घर में घिया बनाया तो ऐसे घिया हजम नहीं हो रहा कि नहीं, और इसने मेरे मुंह में पानी ला दिया कि यार कुछ बाहर से खाते हुए, हाँ मैं दाल मखनी खाऊंगा। इसने मंगाया अपने लिए मटन और मैंने खाई दाल मखनी, साथ में लच्छे पराठे, रिकॉर्ड नहीं किया, बहुत भूख लगी थी, और अब बन रहे हैं पकौड़े। मतलब मैं इतने सारे YouTube वीडियोस देखता हूँ, चैनल देखता हूँ, सब बात कर रहे हैं हेल्दी फूड, हेल्दी ईटिंग, हेल्दी ये मसल जिम, घंटे ये मसल घंटे का जिम, तो मुंह निकल रही है, देखो ये देखो तो मुंह निकल रही है, बढ़िया पकौड़े बन रहे हैं, तो हम भी खाते हैं, आप भी इंजॉय करो। बताओ एक बार, बताओ कमेंट में कि आप लोग नाश्ते में क्या क्या करते हो। हम भी चाहते हैं सुनना कि क्या ये अजीबोगरीब प्राणी हम दोनों ही हैं जो पकौड़े खा रहे हैं, या दुनिया में और भी ऐसे लोग हैं जो अपनी धर्मपत्नी के साथ पकौड़े खाना पसंद करते हैं। मैं टेस्ट करके देख रही हूँ, अच्छा है। तो फाइनली हमारे पकोड़े आ गए, आलू प्याज धनिया के पकोड़े, ब्रेड पकोड़े, जिसमें से पीढ़ी दो खा चुकी है और ये पकोड़े चबाना शुरू कर दिए ऐसे, देखो ये मतलब इसने रुकना नहीं है। इसने कल परसों इसने एक्सरसाइज करी थी और उसके बाद इसने कल मटन खा लिया, आज इसने पकोड़े खा लिए, साथ में चढ़ रही बढ़िया कॉफी, कॉफी गर्म है। कल ही पकोड़े खाए थे, कितने पकोड़े खाए थे आज, कल भी खाए थे, परसों भी खाए थे, मैंने बनाए थे शाम को, तो दो दिन बनाए थे, वो व्लॉग में आ चुके हैं और ये आज के भी पकोड़े हो गए। चलो ठीक है, खाते हैं पकोड़े और एंजॉय करते हैं, देखते हैं दोपहर में क्या बनेगा, मिलते हैं। मैं पकोड़े खाता हूँ भाई।